सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी के एक नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलेगा 4 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, रेडमी की तरफ से रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 2 दिन के बाद। और जो रेडमी 9 का ग्लोबल वेरिएंट था, ये उसका रिब्रांडेड वर्जन होगा जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 10,000 रुपये के बजट में, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पेक्स देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम जल्दी से बात करते हैं इसकी सभी स्पेक्स के बारे में, वहीं पर इसके प्राइस के ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे कि आप सबके लिए कैसा ऑप्शन होगा। सो गाइज, रेडमी की तरफ से रेडमी 9 स्मार्टफोन काफ़ी मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है, और इस सीरीज़ के अंदर 3 स्मार्टफोन आने वाले थे जिसमें रेडमी 9, 9A और 9C होते, लेकिन इंडिया में फिलहाल रेडमी 9 प्राइम के नाम से स्मार्टफोन आ रहा है। तो जल्दी से बात करते हैं इसकी सभी स्पेक्स के बारे में। तो अगर बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो 6.53 इंच की एक आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आएगी, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। इस स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल नोच का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के मामले में रेडमी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि 10,000 रुपये के बजट में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दी जा रही है, और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ आपको MediaTek की तरफ से Helio G80 चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड एक चिपसेट है। और दोस्तों, ये G70 और G85 के बीच का प्रोसेसर है जो कि Helio गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर है। 10,000 रुपये के बजट के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलेगी, तो आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। इसके अलावा आपको 3GB रैम और 4GB रैम के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, और इसमें 32 और 64GB के स्टोरेज आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसमें कि आप डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों, बेस्ट स्मार्टफोन तो नहीं कह सकते, लेकिन 10,000 रुपये में आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपको ठीक ठाक डेली टास्क के लिए परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा होगा 13 मेगापिक्सल का, इसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट्स के लिए, और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट कैमरा की अगर बात करें, तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, और दोनों ही कैमरा में आपको 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा 30fps पे। तो कैमरा की क्वालिटी तो दोस्तों तभी पता लगेगी जब ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और इसकी कैमरा की टेस्टिंग वगैरह होगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको बाकी स्मार्टफोन्स देते हैं। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन की हाईलाइट है, वो है इसकी बैटरी। यहाँ पे आपको 5020mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18W तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है दोस्तों कि आपको 18W का चार्जर बॉक्स में मिलेगा या सिर्फ 10W का मिलेगा। लेकिन बैटरी के मामले में आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, और ये सबसे बड़ी बैटरी वाला एक स्मार्टफोन होगा Xiaomi की तरफ से, जो कि आपको 10,000 रुपये के बजट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है, और जो इसका डिज़ाइन है दोस्तों, उसको भी थोड़ा चेंज किया गया है। अगर इसको बैक से देखते हैं, तो जो इसका कैमरा सेटअप है दोस्तों, वो Redmi Note 8 Pro की तरह लगता है, और इसकी बैक साइड में ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, और जो इसकी बॉडी है वो प्लास्टिक की होने वाली है बैक से। तो यही सारी डिटेल है दोस्तों Redmi 9 Prime के बारे में, जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलेगा 4 तारीख को। अगर प्राइस की बात करें, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है 9,000 या 10,000 रुपये से इसका स्टार्टिंग प्राइस होगा, और डेफिनेटली 10,000 रुपये के बजट में एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा सभी कस्टमर्स के लिए। आप हमें बताइए दोस्तों कि आप Redmi 9 के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आप इस स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड होंगे इतने प्राइस में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।